कौन आया मुझसे मिलने? बात बेटा, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमसे डिस्कस करते, हम मना थोड़ी करते है ना। कैसी बात दादाजी? अरे यही के तुम इनकी लड़की को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो, है ना, है ना? अस्सलाम दादाजान, दादी ने हलवा भेजा है। अरे मेरी बच्ची, यहाँ तो इज्जत का हलवाड़ा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये तो वही है ना? पुत्र, तो मैंनू भी नहीं दस्या तेनू कोई कुड़ी पसंद है? हम तो बस है। बस बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, बीएफएफ। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं एक्चुअली दीदी तरह बताओ बात क्या है। वो मैं मजी मैं वो ये मैं क्या कर रहे हो? वो असल में ना साथ को उस लड़की से शादी करनी नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? सच्ची बोल रही हूँ, आप लोग भी ना अपना टाइम जाया मत करें यहाँ पे। बेटी थारा, तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता था? जी दाजान, वो असल में ना ये लड़की साथ को किसी दोस्त की बहन की शादी में थी और वहाँ इनकी दोस्ती हो गई। लेकिन असल में ना साथ सीरियस नहीं है इस लड़की के साथ। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे साथ ने खुद ही बताया कल रात। लेकिन ये तो कह रहा था कि हमारी बहन के साथ शादी करना चाहता है। वो असल में ना आपकी पिटाई से बचने के लिए झूठ बोल रहा था। भाई आखिर ये बाजरा क्या है? हाँ मसाले देके वादे करे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। पुत्र ये क्या चल रहा है? वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, भी जाना है मुझे। गुड लक। मैं बता रहा हूँ, अगर ये बात सच साबित हुई तो खून खराब हो जाएगा। भाई साहब, आप लोग ठंडे हो जाएं और हमें थोड़ा सा वक्त है, हम इससे अकेले में बात करके बताते हैं आपको, बताते हैं। हाँ, हाँ। तो आज मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, जो बात करनी है यही कर ले। अरे साथ मियां, ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा लॉक करके अंदर बैठ गए, लड़की के घर वाले यहाँ आकर बैठे हुए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है बेटा। मैंने नहीं बोला था उनको घर तक आने के लिए, और शादी की बात तो मैंने बिल्कुल नहीं की थी। तो लड़की से मिलने का मकसद क्या था फिर? अब्बा जी, वैसे ही दोस्ती थी, मुझे क्या पता था वो क्या सोच रही है। साथ पुत्र, हम तुझे नहीं मारेंगे, तू बाहर आ जा। हाँ। दरवाजा तो खोल दे। जब तक आप लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे और गुस्सा आ रहा है। अरे यार, तुम क्यों चीख रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं भाजी? नौबत आ गई कि लड़की वाले हमारे घर तक पहुंच गए, आप कह रहे हैं शोर नहीं करो। अरे यार, शोर करने से क्या ये दरवाजा खोल देगा या लड़की वाले वापस चले जाएंगे? कम से कम एहसास तो हो। अरे एहसास तुम्हारे चीखने से थोड़ी होगा, प्यार मोहब्बत से एहसास होता है। सारा की बच्ची, मेरे फोन की तरह सारा तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ हाँ, खांसो खांसो, खांसी तो आएगी ना। तुम ये जो रायता फैला कर गई हो ना, मेरे लिए बहुत बड़ा अजाब बन गया है। क्या जरूरत थी ओवर स्मार्ट बनने की? हाँ मैं संभाल रहा था ना, अपने तरीके से बात कर लेता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जरूर बोलना है अंदर। अब यहाँ आके संभालो इसको, मेरे घर वाले छुरियां तेज करके मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो,
हाँ हाँ आवाज आ रही है। हेलो कौन? हेलो दादी, दादी सारा सारा जी। दादी कोई काम है? क्या कर रही हो? ये देखें, ये मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, इनका जवाब आ गया है, परसों मेरा इंटरव्यू, बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम नीचे हलवा देने गई थी तो नीचे साथ के साथ क्या हुआ था? आपको कैसे पता कि कुछ हुआ था? तुम्हारी फोन पर साथ की कॉल आई थी और मैंने सुन ली। क्या कह रहा था? कह रहा था हालात बिगड़ चुके हैं, सब छुरियां लेके बैठे हुए, आकर संभालो। मतलब जाना पड़ेगा। तो दादी को भी पता चल गया, किसान इतना हैंडसम हो तो लड़कियां तो पागल होंगी, एक बार बॉडी बन जाए फिर क्या होगा। कहीं दादी ना हो। हेलो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, जब मैसेज करूँ तब कमरे से बाहर आना। ओके। और घर वालों के सामने थोड़ा शर्मिंदा होने की एक्टिंग कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके थैंक यू दादी, आई लव यू, थैंक यू। मुझे मक्खन लगाने के बजाय अपने करतूत ठीक कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है दादी। दादी बचा लेंगी। सुन लिया अब्बा जी, अगर सारा ना जाती तो वो लोग साथ के चेहरे का नक्शा बिगाड़ देते। ये लड़का कोई बड़ा नुकसान करके इंसान बनेगा। बड़ों की ना मानने की तो कसम खा रखी है इसने। इतने अरमानों से इसे इंजीनियरिंग कराई, मगर इसकी जिद थी कि फाइनेंस में जाके मुंशीगिरी करेगा, और आज तक यही कर रहा है, हमेशा अपनी चलाता है। अरे अरे आजमिया क्या हो गया तुम्हें, हर दफा कोट पतलून पहन के अपने मसाइल बताते। अरे भैया और दूसरी बात है बेटी, तुम्हें कम से कम हमें तो बताना चाहिए था। दादाजान टाइम ही नहीं था। मुझे भी आज ही पता चला है, ये तो अपनी सहेली का बहाना करके घर से निकली थी। तो और क्या बोलती? और साथ हमें क्या कर गया था कि ऑफिस के काम से जा रहा है और सुबह सुबह नवाब साहब लड़की से मिलने गए थे। अरे भाई ये बात ठीक नहीं है, जवान लड़का है, इतनी सख्ती अच्छी बात नहीं है। खाला जान अब इस मसले को सख्ती से ही निपटना पड़ेगा, लड़का बागी हो जाएगा। भाई खूबसूरत लड़का है, अगर लड़कियां पीछे लगती हैं तो ये नॉर्मल बात है। बस कर दे खाला जान, क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं? ऐसा भी क्या जवान और खूबसूरत है, जवानी हम पर भी आई थी, हमारे पीछे तो कोई लड़की भी नहीं पड़ी थी। अरे भाई इतने भी हैंडसम नहीं थे तुम। मैं इसका गवाह हूँ। क्या मतलब है अब्बा जी, अपने दोस्तों के ग्रुप में सबसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस था मेरे पास। माफ कीजिएगा लेकिन साथ का फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते तुम। अब्बा जी आपकी यही बातें उसे बढ़ावा देती हैं। पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को, अच्छा खासा इंजीनियर बना दिया था कि कुछ बन जाए, मगर बाप की तो माननी ही नहीं है। अम्मी मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी। अच्छा तो फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना अम्मी जी, उसको कोई गलत फहमी हुई है। ओ गलत फहमी के बच्चे, अभी तो मैंने उसके भाइयों को समझा बुझा के भेज दिया है, मगर आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से ही निकल जाना, समझे? सारा कुछ लेके मैं नहीं निकल जाना। अरे मेरे बच्चे तू मेरा पोता है, वो मेरा बेटा है, मेरा घर है, मैं निकाल दूंगा उसको घर से। सारा थैंक यू।
तुमने दो दफा मुझे बचाया, कल उस लड़की के भाइयों से और आज मेरे घर वालों से। तुम्हें एक मशवरा दूं? मुझे जरूरत नहीं, लेकिन चलो, क्या याद करोगे? दे दो। अपनी ना हरकतें सुधारने की कोशिश कर लो। बहुत मुश्किल बात है। ट्राई तो करके देखो। वक्त जाया करने वाली बात है। बहुत ही ढीठ हो तुम। अच्छा सुनो। अब क्या है? अगर तुम्हें कभी मुझसे काम पड़े तो याद जरूर करना। एक काम है। हुकुम? मेरी जॉब लगवा सकते हो? अभी कोई जॉब ओपनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ आता है मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा। रहने दो, परसों मेरा जॉब इंटरव्यू है। आई होप कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत ही ना पड़े। गुड लक। अब एंड सारा, अब क्या तकलीफ है? मैंने नोटिस किया तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। पूछा मैंने? नहीं, बस मैंने सोचा बताना मेरा फर्ज है। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है मुझसे, चिचोरा कहेगा। देखो साथ बेटा, ये तुम्हारी जरा सी नादानी से घर में सारे लोग बहुत परेशान हुए, तुम भी परेशान हुए मुझे पता है। लेकिन बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, जवान हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो, तो थोड़े से जिम्मेदार भी बन जाओ मेरे बच्चे। मतलब मैं समझा नहीं। देखो साथ बेटा, जो मर्जी आए करना है करो, घर से बाहर, घर में शिकायत नहीं आनी चाहिए। मतलब? अरे मतलब ये, अगर तुम्हारी तीन चार गर्लफ्रेंड भी हैं तो घर से बाहर रखो, घूमो फिरो, मजे उड़ाओ, घर में बात ना है। अब मुझे देख लो, एक वक्त में जवानी में 17-17 गर्लफ्रेंड्स होती थी मेरी, फॉरेनर्स। हाँ, लेकिन तुम्हारी दादी को हराम है जो पता चला हो, मरुमा को। हाँ, और ना खानदान में पता, स्लेट बिल्कुल क्लियर। साथ, हाँ, साथ, वो बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है शायद, देख लो उसको। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला देता हूँ। क्यों, तुम किस किस्म के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो अगर तुम तारों का शॉर्ट सर्किट ठीक नहीं कर सकते? वो एक इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर में फर्क होता है बाजी। मुझे मत बताओ, जो भी है ये मसला बिजली का हल करो, समझे? डिक्टेटर आजम का क्या करना है? अबे तुम्हारा बाप ज्यादा पढ़ लिख के बावला हो गया। खैर छोड़ो, दादी ये देखें, ये बड़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ से मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, अगर जॉब लग गई ना तो बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस बेटा, जो भी तुम्हारे हक में बेहतर हो ना, बस ऊपर वाला वो ही करेगा। सारा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कॉल नहीं की? नहीं, करनी थी क्या? हाँ, मैंने ही उनसे कहा था कि तुमसे बात करें। क्यों? ताकि वो तुम्हें समझाएं कि ये नौकरी किसे छोड़ो और शादी की तैयारी करो। फिर तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने कॉल नहीं की, क्योंकि अभी मैं बहुत खुश हूँ और किसी बहस के मूड में नहीं हूँ कि मैं शादी करूँ या जॉब। अरे तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें समझाने वाले लोग हैं, उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते। हाँ, जैसे कि मैं। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है हमेशा की तरह? अरे दादी, इस शकील साहब से बोल के मेरा शिनाख्ती कार्ड तो बनवा दे। कोई शिनाख्त तो मिले मुझे, अगर कल को पुलिस वाले मुझे उठा लेंगे बता भी नहीं पाऊंगा कि कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जानी, तुम देख ही रहे कि मैं सारा से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बीच में बोले जा रहे हो। आप कर ले बात। मैं क्या कह रही थी तुमसे? अच्छा, मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अम्मा आप देख रही हैं, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। तुम भी हर वक्त उसके पीछे लगी रहती हो। अरे छोड़ दो उसका पीछा, एंजॉय करने दो उसका बचपन उसको। दादी मेरी दरखास्त पर भी गौर कर ले, मेरा शिनाख्ती कार्ड बनवा दे, मुझे कहां से उठा कर लाए हैं ते कुछ तो बता दे। इतनी फीकी चाय, जाओ किचन से चीनी लेकर आओ, ये भी लेके जाओ।
पूरा दिन इनकी खिदमत करो और कोई चीज पसंद नहीं आती। एक तो इसका शनाख्ती कार्ड है, जान को आ गया है। हाँ हाँ जी, हो जाएगा तो करें। एक मिनट, पैसे कितने लेंगे भजी? वैसे तो बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन आप ना 2000 रुपए दे दीजिएगा। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया इतने से काम के? 2000? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, असल में काम छोटा नहीं है, पूरा बोर्ड खुलेगा सर। फिर भी 2000 ज्यादा है। अपा जी करने दें। तुम चुप करो, राम के पैसे नहीं है जो इतने से काम के लिए 2000 रुपए दें। 500 रुपए दूंगा, करना है तो करो। क्या 500 रुपए? 500 रुपए तो बहुत कम है साहब। अब आप ऐसा करें, आप काम शुरू करें, मैं पैसे आपको दे दूंगा। तुम मेरी बात की नफी कर रहे हो? नहीं अब्बा जी, मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा, आप टेंशन ना लें। अब तुम मुझे पैसे का भरम करा रहे हो? नहीं, काम भी तो करवाना ही है ना। हम लोग बेटा अपने जो मुंह करने वाला है वो नाक से नहीं ठूसते कि हमें पता ना हो कि 500 रुपए के काम के लिए वो 2000 मांग रहा है। सर एक काम करें, आप लोग आपस में ना लड़े, बल्कि ये बताएं कि आप फाइनली कितने पैसे देना चाहते हैं। 500 रुपए दूंगा, काम करना है तो करो। देखा, इसे बार्गेनिंग कहते हैं। अब ये काम 500 में ही होगा। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आइंदा कभी मुलाकात नहीं होगी। देखा, हो गया ना काम। जानी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? नाजिया, तुम्हें पता है कि इंसान की शिनाख्त किस चीज से होती है? उसके किरदार से? नहीं, उसके खानदान से। अरे नहीं यार। उसकी तालीम और तरबियत से? अरे नहीं यार। अरे तो फिर? इंसान की असल शिनाख्त होती है उसके शिनाख्ती कार्ड से, और ये लोग मेरा शिनाख्ती कार्ड बनवाने को तैयार ही नहीं है। तो तुम इसलिए उदास हो? जाहिर सी बात है, कल को अगर मैं मर गया तो कोई सबूत ही नहीं होगा कि मैं इस दुनिया में आया था। हाय अल्लाह, ऐसी बातें तो मत किया करो, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे ऐसे मत बोलो, दादी को कुछ हो जाएगा। हाँ, आजकल सबसे बड़ी दुश्मन मेरी वही है। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम सारा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। याद आ गई आपको मेरी? याद तो इंसान उसको करता है जिसको भूल जाए। अरे तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो बेटा। खैरियत अब्बा, कैसे कॉल की? क्या मतलब? मुझे अपनी बेटी से बात करने के लिए किसी वजह की जरूरत होगी? अब्बा मुझे पता है, अम्मा ने आपसे कहा ना मुझसे बात करने के लिए। अरे तुम ये मत समझना कि मैंने कॉल इसलिए की कि मुझे यास्मीन ने कहा है। गुड, यानी आप मुझसे शादी के मौजूद बात नहीं करेंगे। देखो बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू अब्बा। यू वेलकम। ये क्या हो रहा है? अब्बा मैं आपसे बात बात करती हूँ, बताइए लाइट का कोई मसला हो रहा है? ठीक है, ओके बाय। है जानी, जानी ये क्या हो रहा है? अरे भाई प्रोफेसर अयाज, ये क्या हो रहा है भाई? ये जलबूझ हो रही है। अरे देखो भाई, आग ना लग जाए। बीना, ये लाइटें सारी बंद करो, फ्लक्चुएशन हो रही है, टीवी फ्रिज सब जल जाएगा। बजी साथ से काफी तो ठीक कराने के लिए, इस लड़के से तो कोई काम ही नहीं होता है। है के जरिए बुलाओ से।
अरे भाई जो करना है जल्दी करो, वो बेचारे ऊपर वाले भी तो परेशान होंगे, उनके यहाँ भी तो फ्लक्चुएशन हो रही होगी। अब्बा जी जब मीटर रहेंगे तो वहाँ भी ये हाल होगा ना। या सब मैं क्या भी सी, मीटर वखरे कराओ तो जान छुड़ाओ ना, स्यापा ही है। अरे बहू रानी, ये बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये दिल का कनेक्शन है। ये तार मेरे यार के साथ जुड़ा हुआ है जो कभी अलग नहीं होगा। अरे जाओ भाई देखो। ये क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? पूरा घर फुलझड़ियों की तरह जगमगा रहा है। अब देख क्या रहे हो? चलो मीटर के पास। अब मैं क्या करूंगा बच्ची? चलो ना बच्ची। आपके यार के तार मुझे ठीक नहीं लग रहे। जानी जानी ये क्या मसला हो रहा है? कभी रेसलिंग नहीं देखी आपने? जब अंडरटेकर आता था ना तो ऐसा ही माहौल बन जाता। अपनी ना ये फजूल कॉमेडी बंद करो, जाके देख रहा पड़ोस में मसला क्या है। जाओ। गरीब आदमी झूठ नहीं कर रहा। मैंने अब्दुल गनी को फोन कर लिया है। फिर क्या, तारों में कुछ मसला है, ठीक कर रहे हैं वो। दादी अब्बा को कॉल करें, उनको बोले हमारा मीटर तो अलग करवाएं। ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना, यहाँ तुमने कह दिया और वहाँ उन्होंने करवा दिया। अपनी जिंदगी में जो काम करवाने वाले थे वो तो उन्होंने करवाए नहीं। याना लिया सब सड़ना लग जाए। लाए बजी मैं करता हूँ। अरे पीछे हटो, तुम्हारी वजह से तो हुआ ही सब कुछ। मैंने क्या किया? अरे जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें कहा था कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था दादाजी, उसने पैसे मांगे, अब्बा ने मना कर दिया। अरे कंजूसिया। 2000 रुपए मांग रहा था पाजी इलेक्ट्रिशियन, हराम के पैसे थोड़ी है कि इतने से काम के 2000 दे। अबे बावले बच्चे, इलेक्ट्रिशियन को पता है कहाँ का तार कहाँ जा रहा है। अबे 2000 मैं दे देता। कुछ नहीं अब्बा जी, उसे फ्यूज के पीछे जो तार है वो लूज है, उसे टाइट करेंगे, मसला हल हो जाएगा। हाँ अगर आपको सब आता है तो आप कर क्यों नहीं रहे? तो तुम किस खेत की मुनी हो? इतना पढ़ाया लिखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना है, तुम नहीं कर सकते? अरे बस छोड़ो यार, लाइट जलाओ। अब्बा जी देख रहे हैं आप, पढ़ा लिखा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाए और ये साहब है कि मुंशीगिरी कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर हूँ मैं। मैनेजर है तो काम तो मुंशीगिरी का ही कर रहे हो ना, हिसाब किताब रखते हो। जो आपने डिग्री करवाई थी इंजीनियरिंग की, उसके बाद तो नौकरी किसी ने दी नहीं। अरे देखिए सर, लड़कियों से मुलाकातें करवा लें, इश्क माशूकी कर लेगा, मगर काम की बात करो तो आग लग जाती है। मियां तुम तो लड़ते रहो, इधर दो, हटो बेटा यहाँ। टॉर्च मुझे दो। क्या सब आप इधर आ गए? मुझे चल बेटा, शाबाश शाबाश, ध्यान से बेटा। हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब इसमें आई थिंक ये ब्रेकर उठाएंगे तो लाइट आ गई। ओ हमारा इंजीनियर जीत गया। बताएं अब बताएं बेटा जी, कोट पतलून उतारो और सलवार कमीज पहनो, जाओ यहाँ से, हमारा इंजीनियर जिंदाबाद। ठीक है अब्बा जी, ठीक है। हाँ ठीक है। कल अगर इंटरव्यू अच्छा हो गया और मुझे ये जॉब मिल गई तो दिन में मैं 6-7 घंटे घर से दूर रहूंगी। बल्कि नहीं, 6-7 घंटे क्यों, आने जाने का टाइम भी तो लगाऊं मैं। एटलीस्ट पूरे 8-9 घंटे तो मैं घर से दूर रहूंगी। कितना अच्छा सीन हो जाएगा ना। बस मैं घर आऊंगी, खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। हाँ मुझे लगता है शायद ये जॉब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगी। मैं घर से बाहर निकलूंगी, नए लोगों से मिलूंगी, कितना अच्छा रहेगा ना। वरना घर में तो वही अम्मा और दादी की बातें सुन सुन के आजिज आ गई हूँ। ये लोग तो मुझे अब्बा से मिलने भी नहीं देते। पागल तो नहीं हो गई? क्या कहा? हाँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी ये खुद से बात करने वाली आदत कब जाएगी? खुद से बातें नहीं कर रही थी, कुछ कुछ सोच रही थी। तो यही तो कह रहा हूँ, सोच तो ये बोलता कौन है।
मैं बोलती हूँ, मसला है। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, पागल वागल तो नहीं हो गई? अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ तो तुम क्या मेरे इलाज के पैसे दोगे? अरे हटो, तुम्हारे इलाज पे पैसे वेस्ट करने से बेहतर है मैं कोई अच्छा सा प्रोटीन शेक ले लूँ। गुड, तो अपने काम से काम रखा करो। और बात सुनो, ये जो लाइट का मसला और था कैसे ठीक हुआ? तुमने ठीक किया है? क्या मतलब तुमने ठीक किया? मेरे अलावा इस घर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कौन है? अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है वैसे भी। हेलो, मेरा इंटरव्यू, वो फोन कहाँ है? तू डेड पड़ा हुआ है? शुक्र है 6 बज रहे हैं। ये तो रुकी हुई है, अभी इसके सेल वीक होने थे। ये ले दादी, लग गया टीवी, और ये लग गया आपका न्यूज चैनल। मानती है ना फिर जानी को? आवाज तो बढ़ाओ। ये ले दादी, अब आवाज आ रही है ना? जानी, ये तुम्हारे आईब्रोज कितने अजीब हो रहे हैं। तुम कहो तो शेप बना दूं? आजकल तो लड़के भी आईब्रोज बनवाते हैं। अरे एक मिनट दादी, यहां ना मेरी आबरू मुश्किल में है और आपको आईब्रोज की पड़ी है। अगर कुछ बनवाना है ना तो मेरा शिनाख्ती कार्ड बनवा दे, जो ज्यादा जरूरी है। वो तो मैं नहीं बनवा सकती। बहरहाल जानी, एक कप चाय मिलेगी मुझे? मना करूंगा तो कौन सा जान छोड़ देंगी। लाता हूं। वैसे आप लोगों ने अपने मुलाजिम को बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। घर का मुलाजिम नहीं है, घर के फर्द की तरह ही है। ये तो आपका बड़ापन है जो इस तरह से सोचते हैं, वरना उसकी कमजोरी तो जरा मुलायजा करें। क्या सुबह सुबह बुलवाने की क्या जरूरत थी? भाई 12 बजे बीना भाभी के अपॉइंटमेंट था, तभी आ जाती। उसी के घर ही तो जा रहे हैं। आज शाहिदा की बरसी है ना, इसीलिए तो। वैसे संजीदा, मैं सोच रही थी तुम्हारी तो इतनी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, तुम सारा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो ना। ये शादी करवाएगी सारा की? अरे इसकी तो अपनी शादी नहीं हुई अभी तक। कब से काम कर रही है, कब से देख रही हूँ मैं इसे, जब से छोटी सी थी तब से ये काम शुरू किया है। वैसे एक बात बताऊं संजीदा, जवानी तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए रिश्ता देखूं। खाला, मुंह पे मास्क लगाए बात मत करें। संजीदा मैं सच कह रही हूँ, कहो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है, मुंह बंद रखें। सॉरी, वो मास्क लगा हुआ है ना तो छुरियां पड़ जाएंगी। कहां रह गई थी सब, कब से इंतजार कर रही हूं मास्क उतारने का वक्त हो गया है। अरे मेरा सिर्फ आधा घंटा रहता है इंटरव्यू में, अगर लेट हो गई ना तो पहले इंप्रेशन ही खराब पड़ेगा। सही लगा देती हूँ। मैं तो लॉग इन करके पहले बैठ जाऊं ना। ये वाईफाई अभी क्यों खराब हो गया? हमेशा का मसला हो गया ये।
ये वाई फाई वाले को कॉल करनी पड़ेगी, आज का दिन ही मनू सर। पता नहीं ये जानी कहां जाके मर जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उस्मान है और मैं आपके इलाके के इंटरनेट का हेड हूँ। आपके यहाँ से इंटरनेट की कंप्लेन आई थी, कोई प्रॉब्लम है? मेरे घर से कंप्लेन थी? हाँ अम्मा मैंने बुलाया। अच्छा आओ बेटा अंदर आ जाओ। कब से उस कंपनी में? 4 साल से। 4 साल? फिर तो तनख्वाह भी बड़ी अच्छी मिलती होगी। अम्मा मुझे बात करने दे, अभी 10 मिनट में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है और इंटरनेट ही चल रहा है। इस पूरे इलाके में सबसे घटिया सर्विस आपको इंटरनेट क्योंकि बता रही हूँ मैं। मैम हमारी सर्विस में कोई इशू नहीं है, आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं देख लेता हूँ। जी चले। सुनो तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। कितनी अच्छी बात है। तुम बताओ बेटा क्या पियोगे, चाय कुछ ठंडा? मैं इससे शादी नहीं करूंगी, तो फिटिंग में ट्राई मत करें। और आप चले मेरे साथ, मेरे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले, किसी को फिक्र ही नहीं है। सुबह से कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। मैं पूरे 11 घंटे में 500 लाइक्स, इतनी मोहब्बत कैसे संभालूंगा मैं? एक और तस्वीर डालता हूं। गुड मॉर्निंग पुतुल जी। अब मैं इंसान की कोई प्राइवेसी भी होती है पुतुल, आज तो नाश्ता किए बगैर दफ्तर गया ना तो तेरी मेरी रैसलिंग हो जानी है। चल मेरा पुत्र शाबाश। ऐ खा मैं तेरे वास्ते स्पेशल देसी घी के पराठे बनाने, 2-4 खा के जाई। चल तेरा। नहीं आपको पता ना मैं देसी घी के पराठे नहीं खा सकता, कितनी कैलोरीज होती है उसमें। फटे वो तेरा, तू तो तेरी कैलोरिया ऐ की नेम पाल लिया है, तू जवान मुंडा है, खा पी के कुछ जान जान बना कुछ डोले छोले। चल शाबाश। आप ना मेरी फिजिक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अंडे मैं खा सकता हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। और वैसे अम्मी अंडे की अंडे तो बैगी क्या आओ। मामा शौकत तेरी उम्र में 12 पराठे खा जाते थे, तुझे एक नहीं खाया जा रहा। तेरी गाल सुन जिम जानता है, पराठे खाएगा तो पहलवान बनेगा ना। चल शाबाश मेरा पुत्र पराठे खाए। दादाजी आपके लिए ब्राउन ब्रेड, भूसी टुकड़े मेरे लिए। अयाज बेटा ये आधा गिलास फ्रेश जूस पी लो। नहीं अब्बा जी कोई बदपरहेजी नहीं होगी। कौन कर रहा है बदपरहेजी, मेरी प्लेट में कौन सी बदपरहेजी नजर आ रही है तुम्हें? ये देखो। आ जा पुत्र आ जा, 3 पराठे बस 3 पराठे और कुछ नहीं। चल शाबाश। अंडा भी तो खाया, पराठा किस तरह खाओ? क्या हो रहा है सब? या सब देखिए ना, अपने पुत्र को कुछ खाता ही नहीं, इतना पतला तीली वर्गा गंडोया हो गया। क्या जरूरत है इसके पीछे नाश्ता लेके घूमने की? और तुम, तुम्हारे क्या नखरे, जब 9 बजे नाश्ता लग जाता है टेबल पे तो खुद क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करता, इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है ना मेरी, 16 घंटे भूखा रहूंगा तब जाके कुछ मसल्स बनेंगे। क्या नए नए चोटले, हमारे दौर में तो ऐसा कुछ नहीं था। आपके वक्त में तो कुछ भी नहीं था लेकिन मेरे वक्त में है। नाश्ता तो अपनी मर्जी से कर सकता ना मैं, या इसके लिए भी मुझे अपनी फैमिली की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या कहा तुमने? दफ्तर जाना तो देर हो रही है, जा दफ्तर जा। आस्था तो मैं भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। और शायद हो तुम इसे पीछे पीछे नाश्ता लेके घूमो। छाड़ दो यार, सब बच्चा है, उसकी गटर पटर फास्टिंग चल रही है। अरे रुको 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 रुको, क्या है? सेल्फी लेनी है, आ जाओ।
इंसान ना कुत्ता पालने मगर खुश फहमी ना पालने, शक्ल देगी अपनी। इस शक्ल पे कम से कम 20-25 लड़कियां मरती हैं। बस 20-25 अच्छी खासी होती है 20-25। अच्छा बस करो, काम की बात सुनो, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। तो मैं क्या करूं? बस ये पूछना था कि इंटरव्यू में सवालों के जवाब किस तरह दिए जाते हैं। सवालों के जवाब जिस तरह तुम हमें जवाब देती हो ना, हाँ? उस तरह बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि तुम्हारी बदतमीजी ना हमारे अलावा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्लीज बताओ। क्या बताऊं यार, तुम्हारा तो इतना एक्सपीरियंस होगा ना, अगर मुझसे पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताए तो मैं क्या जवाब दूं? जब वो तुमसे पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ तो तुम ना तो तुम अपने बारे में कुछ बताना। वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये बताऊं कि मेरे अम्मा बाप कई साल से अलग रह रहे हैं। अरे नहीं इडियट, उनको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना, अपने एम्बिशंस के बारे में बताना, तुम्हारे क्या शौक है वो बताना, सिंपल। शौक? उर्दू वाला शौक तो कुछ खास है नहीं, हाँ मगर इंग्लिश वाले शौक बहुत मिले हैं। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये सब बातें ना बोल देना इंटरव्यू में। इतनी प्रॉब्लम नहीं हूँ मैं। I highly doubt that. अब हटो मेरे रास्ते से, बहुत सारी निगाहें मेरा वेट कर रही हैं ऑफिस में। अरे जाओ जाओ। बड़ा मेरा इंटरव्यू। गेट तो खोलते हुए जाओ। चाचा।